नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं रेगुलर व्यू देता हूँ, बाइसेल रिकमेंडेशन देता हूँ, इक्विटी कमोडिटी बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स वो आप लोग अभी दिखाने जाऊँगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ अगला दिन, और ये बैंक कमोडिटी ये बाइसेल लेवल देता हूँ, तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए करेंगे तो बहुत सारा वीडियोस, चार्ट का सेटअप, स्ट्रैटेजीज और बहुत सारा चीज़ सीखने का आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा और आप लोग ट्रेडिंग मार्केट से ट्रेडिंग करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और नॉलेज भी आप लोग को आ जाएगा। तो आप लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे मार्केट से ठीक तरीके से प्रॉफिट करना है, वो आप लोग को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। तो देखते हैं, मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया, मैंने इसमें तीनों लेवल बना था रखा हूँ। बाइसेल लेवल कम स्किनर स्किनर में बाइसेल लेवल वन, बाइसेल लेवल टू और बाइसेल लेवल थ्री रहता है। और इसमें इस पहला सीट में इसमें कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ GMA का क्रॉस ओवर, 3, 10, 10, 20, 5, 8, 13 प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकता है। वेरियस टाइम फ्रेम, 1 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, पिवट पॉइंट, स्मोक क्लाउड, VWAP, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, टीरन लेवल, ये सब देख के आप लोग स्किन कर सकता है। जैसे मैंने अभी स्किन करके देखा है, आप लोग मेरा स्किनिंग वाला वीडियो देख सकता है। और बाइसेल लेवल इसमें इस सेट में आप लोग को बाइसेल लेवल थ्री मिला है, मिलेगा, जिसमें आप लोग को बाइसेल लेवल थ्री मेरा मोस्ट रिकमेंडेड है, जिसमें मैंने अप ट्रेंड में बाइसेल लेवल रखा है और डाउन ट्रेंड में भी बाइसेल लेवल रखा है। अप ट्रेंड में जब और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा एंट्री लेने के लिए, अप ट्रेंड जब नीचे क्रॉस ओवर होकर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस करके ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा कौन सा लेवल एंट्री देने के लिए प्रॉफिट दे सकता है, सीओ प्रॉफिट दे सकता है, और आप लोग को दिख जाएगा। और ये फाइल से जो बाई और सेल कौन सा लेवल पर कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से अच्छी तरह से दिख जाएगा। और इसमें आप लोग स्क्रीनिंग इसमें देखिए, इसमें आप लोग अच्छी तरह से बहुत सारा स्क्रीनिंग भी कर सकता है। इसमें आप लोग एक बार स्क्रीनिंग करके जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अप ट्रेंड का ही डाउन बाइसेल लेवल देखेंगे, डाउन ट्रेंड का बाइसेल लेवल मत देखेंगे, और डाउन ट्रेंड जब कन्फर्म हो जाएगा तो डाउन ट्रेंड का बाइसेल लेवल देखेंगे। तो और इसमें और बाइसेल लेवल थ्री में भी मैंने अलग से फाइल देता हूँ, और इसमें भी कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है, 534 ईमे क्रॉस ओवर और करेंट हाई लो क्लोज से, ये भी आप लोग इंडिकेटर स्क्रीनिंग करके ये भी आप लोग स्क्रीनिंग करके बाय और सेल लेवल देख सकता है। देखिए मैं एक स्क्रीनिंग भी दिखा देता हूँ और मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, स्क्रीनिंग वाला वीडियो भी देखेंगे तो ये आप लोग को काम पे आएगा। इसमें देखिए मैंने ये जो मैंने जिस तरीके से स्क्रीनिंग करता हूँ उसमें से देखिए इसका अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया, ऐसा इतना सारा स्टॉक्स आप लोग अप ट्रेंड में देख सकता है, इसका ओनली अप ट्रेंड का बाय और सेल लेवल देखेंगे। इसी तरह इसको स्क्रीनिंग करना है और मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो जरूर दिखेगा, देखेंगे आप लोग। और इधर भी आप लोग को स्क्रीनिंग करा पहले भी दिखा चुका है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए चलते हैं, अभी बाय सेल लेवल दिखाता है, ये बाय सेल लेवल वन में, बाय सेल लेवल जो वन है आप लोग इधर देख सकते हैं, बाय सेल लेवल वन में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहेगा और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट फोर डाइने तरफ, टारगेट एट डाइने तरफ रहेगा। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, जो कौन सा लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है या कभी भी मार्केट का ये जो एंड ऑफ द डाटा है
मार्केट जब आप लोग टर्मिनल ओपन करेंगे कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है, उसके अगला वाला लेवल पे आप लोग को एंट्री लेना है। सो लीजिए टारगेट 3 से टारगेट 4, टारगेट 3 से ओपन हुआ है टारगेट, तो टारगेट 3 के ऊपर आप लोग एंट्री ले लेंगे टारगेट 4 के लिए। तो ऐसे करके आप लोग को एंट्री लेना है। हम लोग बाय सेल लेवल 2 भी यूज़ कर सकता है, इसमें भी आप लोग को दिख जाएगा कौन सा लेवल पे है टारगेट। बाय सेल लेवल इससे लेवल लेवल और बाय सेल लेवल 3 मैंने दिखाऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अलग से फाइल बनाया, ये सबसे अच्छा काम करता है, मतलब सेफेस्ट एंट्री होता है। तो इसमें प्रॉफिटी प्रॉफिट का प्रॉफिटी ज़्यादा है, इसमें से आप लोग अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकता है। और इसमें मैंने और जो मैं इसमें मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन दे देता लेवल भी दे देता हूँ। इसमें 140-150 जो इतने स्टॉक्स है इतना लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है। ये मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होता है उसमें मैंने शेयर कर देता हूँ दोनों फाइल एंड ऑफ द डे, अब ताकि आप लोग कुछ दिन ऑब्जर्व कर सकता है और इसका आप लोग उसके बाद पेड सर्विस ले सकता है। इसका लिंक सब दिया जाएगा और सैम्पल फाइल का भी लिंक दिया जाएगा, उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकता है। ये इस्तेमाल करके देखिए आप लोग बहुत ही ट्रेडिंग करना आप लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग शेयर शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकता है मार्केट से। ये पीवर स्टैंडर्ड पीवर पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, आप लोग बीजी वर्स करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड टाइम है वीडियो का मेरा। कौन सा बाय सेल लेवल 1, कौन सा बाय सेल लेवल 3 और कौन सा बाय सेल लेवल 4 है, ये होपफुली आप लोग को पता चल गया है। और किसी ने किसी का कुछ इश्यू रहेगा, कुछ क्लैरिफिकेशन जो जरूरत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, यूट्यूब वीडियो में आप लोग कमेंट करके बता सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन का कुछ ज़रूरत होता है तो। मैंने ये बता दिया फ्यूचर्स का कुछ लेवल, और देखिए मैंने कल का जो फाइल मैंने शेयर किया था, मैंने मेरा जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो मैंने भी टाइम होगा क्या पता नहीं तब भी तो इसमें से देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स और कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा परफॉर्म किया है वो मैंने इधर देख दिखा दिया था, इधर मैंने फॉर्मूला देके आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें नहीं वो फाइल अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो चेक कर सकता है और जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो लोग अच्छी तरह से आप लोग को उन लोग को मैंने शेयर किया था, उधर से उन लोग आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दो।